यम्मी इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता, वाव। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने मैक्रोनी पास्ता बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल, बिल्कुल ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी, बच्चे पर सभी को पसंद आने वाले। बच्चे अक्सर पास्ता का डिमांड करते हैं क्योंकि सभी को पसंद होते हैं बच्चों को। चलिए बहुत आसान तरीके से मैं फटाफट बताती हूँ बनाना मैक्रोनी पास्ता इंडियन स्टाइल कैसे बनते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी यहाँ पे पास्ता ले लिया है, गैस पे मैंने पानी चढ़ा दिया है, पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक और एक चम्मच मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने से पास्ता आपस में चिपकते नहीं है, अच्छे से बॉयल हो जाता है। मैं पास्ता डाल देती हूँ इसमें क्योंकि पानी मेरा बॉयल हो चुका है। पास्ता डालकर मैंने चला दिया है इसको। अब मैं इसे ढक देती हूँ और ढक के मैं बॉयल करूँगी ताकि अच्छे से ये पक नहीं जाता। पास्ता में एकदम चिकना हो जाएगा तो समझिए कि पक चुका है। इसे मैं अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ। चलिए देखती हूँ माइक्रोवेव पास्ता मेरा बॉयल हुआ कि नहीं। 6 मिनट हुआ, देखिए कितना अच्छे से बॉयल हो गया, चमक आ गया है। 5 से 6 मिनट लगा मुझे, मैंने बॉइल कर लिया। अब मैं इसे एक बर्तन में, ऐसे जली वाले बर्तन में छान लूंगी, छान के इसे धो लूंगी। आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने उसमें वेजिटेबल्स काट लिए हैं, जैसे प्याज है, गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, लहसुन और अदरक। आपको पसंद हो तो और सब्जी ऐड कर सकते हैं, मैंने इतने किए हैं। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर उसे भी इस तरह से कट कर लिए हैं, इसलिए इसे मैं छान लेती हूँ। देखिए पास्ता को मैंने अच्छे से धो लिया है, पानी इसका निकाल कर ठंडे पानी से धो लिया ताकि आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पे मैंने सेम पैन को ले लिया, गैस पे चढ़ा दिया है, पैन मेरा गर्म हो गया। तो मैं इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी, आप इसके जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूंगी लहसुन जो मैंने बारीक कट करके रखे थे। इसे 3-4 सेकंड के लिए पकने दूंगी, इसके बाद मैं इसमें लहसुन डालूंगी। 4 सेकंड हो गया, लहसुन पक चुका है। तो मैं इसमें अदरक डालूंगी और इसे मिला लूंगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में डालूंगी हरी मिर्च जो मैंने बारीक कट करके रखा है। ध्यान रखें बच्चों को लेना हो तो लाल मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में मैं डालूंगी प्याज, इसे 1 मिनट में मिला दूंगी। प्याज को भूनते हुए तो अब मैं इसमें जो सारी सब्जियां हैं, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च, इन सभी को इसमें डाल देती हूँ। और डालकर इन्हें भी 2 मिनट भून लेती हूँ साथ में रस चलाते हुए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। उबाल के तो मैंने डाला है नमक पानी में, तो आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अच्छे से भूनूंगी मैं, तो देखिए 2 मिनट पहले सब्जियों को भून लिया है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी तो मैंने टमाटर कट करके रखे थे, तो मिला दूंगी अच्छे से। मिलाने के बाद टमाटर गल जाए तो पकाऊंगी, टमाटर अच्छे से गल जाए। चलिए देखते हैं, टमाटर मेरा गल चुका है अच्छे से, देखिए अच्छा लग रहा है देखकर। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी, यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप लिया है, इसे डाल दूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में मैं डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज, इससे क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आएगा। 2 चम्मच ये भी लिया है मैंने, इसे भी डाल देती हूँ, डाल के अच्छे से मिला देती हूँ। देखिए इस तरह से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है, बच्चे तो मांग मांग खाते हैं, ऐसे भी और मांग मांग खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो 1 चम्मच, ऑरिगेनो आपके पास ना हो तो गोल मिर्च के 5-6 दाने कूटकर इसमें डाल सकते हैं। और ये हाँ मैंने डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, तो चिली फ्लेक्स आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला देती हूँ,
कितने अच्छे से सभी चीज़ों को मैंने मिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉइल करके रखा था, इसे इसमें डाल दूंगी, डालकर अच्छे से मिला दूंगी। देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया मैं मैक्रोनी पास्ता इंडियन स्टाइल। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऊपर से चीज़, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चे को बहुत ही पसंद आता है। इसे चीज़ ऊपर से डाल दे रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ढक देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि चीज़ मेरा मेल्ट हो गया है ना, देखिए कितना अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करती हूँ प्लेट में, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि एक बार आप जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा, तो बार बार इस तरह से बनाकर खाना और खिलाना पसंद करेंगे घर वालों को, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है इस तरह से इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। वाओ, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, आई होप कि आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा इस तरह से। और बच्चे तो बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे ऐसा फ्लेवर खाकर, और बार बार इस तरह से डिमांड करेंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन को इन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।